हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कल ही नोटिस डाला गया था कि आने वाली जो परीक्षा है 7, 8, 9 जनवरी को जो होनी थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। मैं बात कर रही हूँ ग्राम सचिव पटवारी की, और इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी भर्तियों के जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं और जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट अब तक नहीं आया है। बेसिकली परसों तरसों इन्होंने एक नोटिस डाला था सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, और उसमें चेंज हुए थे। मैंने आपको चेंज बताए भी थे कि क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि किस भर्ती को नए सिरे से लिया जाएगा और किस भर्ती के रिजल्ट यहाँ पे डाले जाएंगे। सबसे पहले ये बात कि पटवारी ग्राम सचिव का जो कैंसलेशन का नोटिस आया था, जो 12, 13, 14 को होनी थी, फिर 26, 27, 28 को, फिर 7, 8, 9 को, लेकिन अब फिर से आने वाले अगले ऑर्डर तक ये पोस्टपोन कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। यही नोटिस पढ़ा था आपने, लेकिन ये क्यों की है? कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण, यही बता जा रहा है। आगे देखिए, ये देखिए, हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियां अब सीईटी और नए सोशो इकोनॉमिक क्रिटेरिया से होंगी। ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी की लिखित परीक्षा भी इसीलिए पोस्टपोन की गई है। जिनकी परीक्षा हो चुकी है वो भर्ती पुराने तरीके से ही रहेगी, मतलब 90 नंबर का पेपर था, 10 मार्क्स आपको मिलते थे, जो क्रिटेरिया था वही रहने वाला है, और आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, एचएसएससी ने जो पद विज्ञापित कर रखे हैं, एडवर्टीजमेंट जिनकी हो रखी है और परीक्षा नहीं हो रखी है, उन्हें वापस लिया जाएगा, और लगभग 25,000 नई भर्तियाँ होंगी सीईटी के बाद। अब सीईटी कब होगा, ये इन्होंने बोला है कि यहाँ पर सीईटी मोस्ट प्रोबेबली आपका फेबररी तक हो जाएगा। और यहाँ पे पढ़ लीजिए कि भाई, शिक्षकों के पद को छोड़कर अन्य सभी पदों पर भर्तियाँ सीईटी के बाद होगी, क्योंकि आपको पता है टीचर वाले पेपर में एसटेट और सीटेट मांगा जाता है। तो इस कड़ी में आयोग ने पटवारी, ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी पदों के लिए संयुक्त परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जो आपका कॉमन पेपर होना था। ग्रुप सी और डी के लगभग 25,000 नई भर्तियां आएंगी, जो अब सीईटी के बेस पर होंगी, और आगामी फरवरी में सीईटी की परीक्षा संभावित है। आयोग के साथ जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का समझौता हो चुका है, सीईटी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही लेगी। सरकार ने 30 दिसंबर को बदल दिए थे अंक, कि 10 से घटाकर 5% कर दिए गए थे। अब इसमें होगा क्या, ये 10 नंबर का ही काम करेंगे, सिर्फ मार्क्स कम हो गए हैं, कि जिसको पहले 5 नंबर मिलते थे एक क्रिटेरिया के, उसको 2.5 मिलेंगे, और जिसके दोनों क्रिटेरिया कंप्लीट हैं उसको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो 94-95 नंबर का पेपर होगा। और ग्राम सचिव पटवारी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये भर्ती नए सिरे से लेंगे या पुराने सिरे से लेंगे। अगर नए सिरे से भर्ती लेंगे तो मेरे को लगता है री एडवर्टीज्ड होंगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जिसने फॉर्म भर रखा था, उन्होंने तो 10 मार्क्स के बिहाफ पे सोशियो इकोनॉमिक क्रिटेरिया में येस और नो का ऑप्शन दिया होगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अब चेंज कर दिया है सोशियो इकोनॉमिक क्रिटेरिया का, तो अब से ये री एडवर्टीज्ड होने के चांसेस हैं। बाकी ये अगर पेपर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पेपर होगा भी कब, पहले सीईटी होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बिहाफ पे होगा। बहुत ही ख़राब न्यूज़ है सीरियसली। और ये तो चीज़ ठीक है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को कम कर दिया है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। बाकी जो भी चीज़ है मेरे को नहीं सही लगी। आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं, टेक्निकल पोस्ट वाले या जो कॉमन पोस्ट वाले हैं, उनका रिजल्ट आएगा। पुरानी भर्ती जैसे हुई थी उसी भी आप पे होगी, जैसे अभी मेल कांस्टेबल का रिजल्ट रहता है, फीमेल कांस्टेबल का हो सकता है रिवाइज हो जाए रिजल्ट। सो दिस इज़ न्यू अपडेट रिगार्डिंग द ऑल रिक्रूटमेंट थ्रू द एचएसएससी। आई होप सो दिस वीडियो हेल्पफुल तो नहीं है, बट जैसा भी आपको लगे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।